गाइज आज की वीडियो में हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बताएंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर वन, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे इससे दर्द होता है, इससे प्रदूषण होता है, इससे प्रॉब्लम होती है, इससे गलतफहमी होती है। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है इट कॉजेज, जिसका मतलब होता है इससे ए होता है, इससे ओ होता है, जैसे इससे दर्द होता है, इससे गलतफहमी होती है। इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले लिखेंगे इट कॉजेज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर कोई अदर वर्ड्स बचते हैं तो उन्हें लिखेंगे। अगर हम इस स्ट्रक्चर का यूज पास्ट टेंस में करेंगे तो हो जाएगा इट कॉज्ड, और अगर हम इसका यूज फ्यूचर टेंस में करेंगे तो हो जाएगा इट विल कॉज, और आगे का रोल सेम रहेगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है इससे दर्द होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट कॉजेज पेन, इट कॉजेज पेन। अगर हम इसे पास्ट टेंस में बनाएं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इससे दर्द होता था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट कॉज्ड पेन, इट कॉज्ड पेन। और अगर हम इसका फ्यूचर में बनाएं तो सेंटेंस हो जाएगा इससे दर्द होता होगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट विल कॉज पेन, इट विल कॉज पेन। अगला एग्जांपल इससे गलतफहमी होती है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, इट कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर इसका हम पास्ट में बनाएं तो हो जाएगा इट कॉज्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर इसका हम फ्यूचर में बनाएं तो हो जाएगा इट विल कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। अगला एग्जांपल मैं इसका यूज नहीं करूंगा क्योंकि इससे बाल गिरते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल नॉट यूज इट बिकॉज इट कॉजेज हेयर फॉल, आई विल नॉट यूज इट बिकॉज इट कॉजेज हेयर फॉल। अगला एग्जांपल इससे प्रदूषण होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट कॉजेज पॉल्यूशन, इट कॉजेज पॉल्यूशन। अगला स्ट्रक्चर गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, क्या तुमने कभी हॉलीवुड मूवी देखी है, क्या तुमने कभी मुझे देखा है। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है हैव यू एवर, जिसका मतलब होता है क्या तुमने कभी या फिर क्या तुम कभी। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे हैव यू एवर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर कोई अदर वर्ड्स बचता है तो उसे लिखेंगे। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू एवर ईटन बर्गर, हैव यू एवर ईटन बर्गर। गाइज यहाँ पर जो ईटन है यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, जिसका मतलब होता है खाना। अगला एग्जांपल क्या तुमने कभी हॉलीवुड मूवी देखी है, हैव यू एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी, हैव यू एवर वॉच्ड हॉलीवुड मूवी। अगला एग्जांपल क्या तुमने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश, हैव यू एवर ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जांपल क्या तुमने कभी मुझे देखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू एवर सीन मी, हैव यू एवर सीन मी। अगला एग्जांपल क्या तुमने कभी सपना देखा है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैव यू एवर हैड अ ड्रीम, हैव यू एवर हैड अ ड्रीम। तो गाइज यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।